उदयपुर जिले में अवैध हथियारों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बुधवार को सवीना थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 अवैध पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सवीना थानाधिकारी योगेंद्र व्यास ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर सवीना थाना इलाके के केवड़ा किनाल में नाकाबंदी के दौरान 3 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 2 अवैध पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। सवीना थाना पुलिस ने इस मामले में खांजीपीर बीड़ा निवासी यूसुफ खान, मोहम्मद आसिफ उर्फ माया और आमिर शेख को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ जारी है। इस कार्रवाई में सवीना थानाधिकारी योगेंद्र व्यास, एएसआई जोरावर सिंह, हेड कांस्टेबल अखिलेश्वर, कांस्टेबल जितेंद्र दीक्षित, लालू राम, खरताराम, रघुनाथ राम, साइबर सेल के एएसआई गजराज सिंह, कांस्टेबल कुलदीप सिंह की विशेष भूमिका रही।